सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा, तो पहली बात तो मुझे तो आज गुस्सा बहुत आया हुआ है, क्योंकि अभी जो मतलब ये तुम देखो ना कि मैंने दो दिन इंतज़ार किया कि विराट की बैटिंग आज मुझे देखने को मिलेगी। पहले ODI मैच में तो भाई उसकी बैटिंग ही नहीं आई, बल्कि उस पोजीशन पे उसकी बैटिंग आनी जिस पोजीशन पे बॉलर्स की बैटिंग आती थी, और जो सेकंड टेस्ट मैच था तो उसकी तो सेकंड इनिंग में विराट की बैटिंग आई नहीं। तो इतने देर से मैं इंतजार कर रहा था कि अब विराट कोहली की बैटिंग आएगी, बट आज के मैच में भाई साहब विराट कोहली और रोहित शर्मा को दोनों को रेस्ट दे दिया गया। वर्ल्ड कप को 2 महीना है और इंडिया के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को इन्होंने रेस्ट दे दिया। पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा गेम टाइम देना चाहिए उन प्लेयर्स को जो इंपॉर्टेंट है, और उनको उन प्लेयर्स की जगह रिप्लेस कर रहे हैं जिनको भाई शायद जो की टीम में होंगे भी नहीं। हमारी इंडियन टीम में रोहित शर्मा ओपनर होगा, गिल नंबर 2 पे होगा, नंबर 3 पे विराट कोहली होगा, नंबर 4-5 का हमें पता नहीं, हार्दिक पांड्या एक उनमें से होगा। उसके बाद आएगा हमारा रविंद्र जडेजा, बॉलर्स में बुमराह अगर फिट है, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, स्पिनर्स में कुलदीप यादव या युजवेंद्र चहल में से कोई एक। तो हमें प्रॉब्लम है नंबर 4 और 5। तो हम नंबर 4-5 के लिए कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, ईशान किशन भी है और सूर्य कुमार यादव भी है, संजू सैमसन भी है, श्रेयस अय्यर और KL राहुल भी अगर वो फिट हो गए। तो बात यह कि अगर KL राहुल और श्रेयस अय्यर फिट नहीं होते हैं तो संजू सैमसन या ईशान किशन क्या कहते हैं सूर्य कुमार यादव में से कोई एक आएगा। तो भाई साहब तुम ईशान किशन को ओपनिंग भेज रहे हो इस मैच में, इसको समझ नहीं आ रहा करना क्या चाहती है टीम मैनेजमेंट करना क्या चाहती है। ईशान किशन को तुम ओपनिंग भेज रहे हो, अगर तुमने उसे खिलाना वर्ल्ड कप में नंबर 4 या 5 पे है, तुम उसे ओपनिंग में क्यों भेज रहे हो, उसे नंबर 4-5 में भेजो ना। और सेम वे सूर्य कुमार, कभी तुम उसे नंबर 3 पे भेज रहे हो, कभी नंबर 6 पे भेज रहे हो, मतलब चल क्या रहा है ये, मतलब लंगर लगा रखा भी कोई भी, मतलब वो होता ना कि भाई टॉस करके ऐसे ही गंदी, भाई आज तू चल जा, आज वो चल जा, आज ये चल जाएगा, आज इनको रेस्ट कर देते हैं। और हार्दिक पांड्या ने बोला कि वो बहुत देर से कॉन्स्टेंटली क्रिकेट खेल रहे हैं इसलिए उनको रेस्ट दिया गया। भाई T20 से तुमने उन्हें आगे बाहर निकाल दिया, उसके बाद ODI भी कितने मैचेस उन्होंने खेले नहीं ODI के, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आना था तो इसलिए बड़े मेन प्लेयर्स को T20 खिलाएंगे, ODI खिलाएंगे नहीं। अब तुमने उन्हें T20 से बाहर निकाल दिया, अब ODI से भी बाहर, मतलब कि ODI में भी रेस्ट करवा रहे हो। 1 महीने का रेस्ट था इनका, उसके बाद ये 2 टेस्ट मैच हुए और अब एक, भाई अब तो कोई ODI में मैच नहीं, में बैटिंग नहीं मिली, तो क्या मतलब कि कॉन्टीन्यूसली या कॉन्स्टेंटली क्रिकेट खेल रहे हैं जो इनको रेस्ट की ज़रूरत है। अभी रेस्ट तो कर रहे हैं ये लोग, अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना, लेकिन यार तुमको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इतने ज़्यादा ODI मैचेस खेल सको वर्ल्ड कप जाने से पहले। अब तुम्हें इस सीरीज के बाद 1 महीने का रेस्ट है, और उसके बाद एशिया कप है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज, फिर वर्ल्ड कप आ गया, 2 महीने है वर्ल्ड कप को, और इंडिया में अगर हार गए बहुत लानतें मिलेंगी। कर क्या रही है टीम मैनेजमेंट, अरे भाई समझ ही नहीं, सैक करो यार राहुल द्रविड़ को, यार क्या कोच है भाई, उसने तो गंदे ही फरार रखा है जब से आया हूँ। इससे बढ़िया तो क्या कहते हैं विराट और रवि शास्त्री थे यार, भाई लेकिन क्या गंद मचा रखा है ना, कोई मतलब इतने 7 कैप्टन बदल दिया हर रोज़ कैप्टन, कोई ना आज ये कैप्टन बनेगा, आज रोहित बनेगा, आज वो बनेगा, आज ये बनेगा, भाई टीम की बॉन्डिंग ही नहीं बन पा रही। सूर्य कुमार यादव को पता भी नहीं कि मैं कौन से पोजीशन पे बैटिंग करूंगा, ये बंदा कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी करे ना, अगर उसको पता हो कि मैंने इस पोजीशन पे खेलना है, मैंने कभी वो नंबर 3 आ रहा है, कभी नंबर 4 आ रहा है, कभी नंबर 6 आ रहा है, मतलब चल क्या रहा है। हर मतलब कि सीरीज में अलग ODI टीम आ रही है, मतलब कुछ भी मिक्स मैच हुआ हुआ है यार। पर जितनी ज़्यादा अगर तुम्हारी ODI वर्ल्ड कप वाली टीम जितनी ज़्यादा साथ मिलकर खेलेगी, चाहे वो वीक ऑपोजिशन क्यों ना हो, कॉन्फिडेंस बनेगा प्लेयर्स के बीच में, बॉन्डिंग बनेगी, बट ये टीम वैसा कुछ चाहती नहीं है। ये मैनेजमेंट ऐसा कुछ चाहती नहीं है। पता नहीं क्या घोड़े लड़ा रहे हैं ये, क्या दिमाग कर रहे हैं, पूरी सत्यानाश कर रखा है इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम का। बर्बादी यहीं से शुरू हो गई है कि पाकिस्तान वाला काम हो रहा है हमारा भी, हमारी क्रिकेट भी तबाह देख रहा, समझ नहीं आ रहा क्या क्या कैसे क्या कर रहे हैं यार ये लोग। इतनी कॉमन सेंस तो यार मेरे में भी है, मैंने तुम्हें बताया, अरे बाकी सब लोगों में भी है। अरे यार विक्रांत गुप्ता स्पोर्ट्स तक वाला, वो भी भाई हैरान हो गया, भी कर क्या रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं वीक टीम है इसलिए रेस्ट दिया तो बढ़िया बात है, होनी चाहिए, नहीं यार वर्ल्ड कप को 2 महीना है, बहुत बड़ी ट्रॉफी है वो, जितनी ज़्यादा मैचेस खेलेंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा और उतना ज़्यादा मतलब कि लय में लगेंगे, नहीं तो जंग लग जाएगी यार। चाहे टीम कोई भी हो यार, तुम्हें चाहिए मैच प्रैक्टिस, चाहे तुम जितने मर्जी बड़े क्यों ना हो, नेट से वो काम नहीं बनता है, रियल मैच की सोल्यूशन अलग होती है, और इन्हें ज्यादा से ज्यादा मैचेस ODI मैचेस खेलने चाहिए। विराट गुप्ता ने भी कुछ ट्वीट्स किए और बढ़िया ट्वीट किए हैं कि भाई क्या चल रहा है, भाई सब लोग मतलब कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो ये जो डिसीजन लिए ना मैनेजमेंट ने, सब इससे नाराज हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई मैं तो भाई अब कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो एक नॉर्मल सा इंडियन क्रिकेट टीम फैन हूँ,
और विराट कोहली फैन भी हूँ भाई। भाई 10 साल हो गए हैं यार इंतजार करते हुए कि भाई कोई तो ट्रॉफी जीतेगी इंडिया। जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया तब से इंडिया कोई ट्रॉफी नहीं जीत रही, मतलब कि चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी उसके बाद, तब तो मैं बहुत छोटा था यार, मुझे क्या पता यार, इंजॉय भी नहीं कर पाया उस मोमेंट को। उसके बाद मैंने सोचा था कि कोई तो मोमेंट मिलेगा भाई मैं इंजॉय कर पाऊंगा, तब से कोई मोमेंट ही नहीं आ रहा यार कि इंडिया भाई ICC ट्रॉफी उठाए और इंजॉय करे। पता नहीं अब कब देखने को मिलेगा यार, जिस तरीके के इनके हालात है, जो ये हरकतें कर रहे हैं उससे तो लगता नहीं कि ये भी इसमें भी नॉकआउट में कोई ना कोई एल लगवा देगा हमारी टीम को।